हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और हम लोग देख रहे हैं एक रेखा का समीकरण। ठीक है, हम लोग क्या बताएंगे आज, रेखा का समीकरण। और एक क्या है कि एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, वीवीआई केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, वीवीआई क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, उसी टाइप के टोटल हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। एक दो दिन के बाद चलेगा। और अगर क्लास अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और हम लोग देखेंगे पहला, ये बोला क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड, देखिए एक पॉइंट दिया रहेगा और एक वेक्टर दिया रहेगा, तो उस वेक्टर और जो पॉइंट है जाने वाली तथा दिए सदिश बी वेक्टर के समांतर एक रेखा का समीकरण। हम लोग सीधा इसको नोट करके पढ़ेंगे, टोटली थ्योरी को सॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, नोट पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो होता है ए में लिखेंगे, ये होता है सदिश रूप में। क्या लिखेंगे, सदिश रूप। सदिश कहने के मतलब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। ठीक, क्या होगा, वेक्टर फॉर्म होगा। यहां से जो आपके दिया है पॉइंट ए, देखिए ये पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट कहने के मतलब बिंदु। ए का पॉइंट जो रहेगा एक्स वन कमा वाई वन और जेड वन दिया है। ठीक है, अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, कौन सा वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू एक्स वन आई प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा वाई वन जे और यहां से लिखेंगे जेड वन के लिखेंगे। बी वेक्टर, बी वेक्टर आपको दिया रहेगा, बी वेक्टर क्या रहेगा, दिया रहेगा, तब तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। यहां से लिखेंगे सदिश रूप में, हिंदी क्या होगा इसका, सदिश रूप, सदिश रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, या एक रेखा का समीकरण किस रूप में आया, सदिश रूप में आया। तो हम लोग इसको देख लेंगे कि जब भी एक पॉइंट दिया रहेगा, एक बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु से पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो पहले वाले में आई लगाएंगे, दूसरे वाले में जे लगाएंगे, तीसरे वाले में के लगाएंगे, और यहां से बी वेक्टर दिया रहेगा। तो जब भी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। थोड़ा यहाँ हम लोग लिखेंगे, जो बी वेक्टर है आपको बी वेक्टर यहाँ से दिया रहेगा, किस टाइप से बी वेक्टर दिया रहेगा, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बी वेक्टर है ये दिया रहेगा कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी क्या हो जाएगा, के दिया रहेगा। इस टाइप से ये दोनों चीजें आपको गिवन रहेगा। सीधा हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का जो फॉर्मूला है उसको याद रखेंगे और इसमें कोट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, ये होगा कार्तीय रूप में, इस वाला में निकालेंगे कार्तीय रूप। देखिए अब हम लोग देखेंगे कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में क्या होगा, x माइनस एक्स वन बटा, देखिए x1 y1 z1 यहां से लिखेंगे, a b c यहां से लिखेंगे, बटा a y माइनस y1 बटा b जेड माइनस जेड वन बटा सी। ठीक है, नंबर टू है, बोला है दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। आपके पास दो बिंदु दिया रहेगा, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए क्या है, मतलब ए आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, यहां से आपको लिखिएगा, क्या लिखिएगा जी, पॉइंट ए, ए मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन होगा,
और जो B का पॉइंट होगा x2 कमा y2 और कमा क्या होगा z2। अगर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इस वाले को पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर हम लोग देखेंगे A और B दोनों का, तो पोजीशन जो वेक्टर होगा A वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले वाले से लिखेंगे तो x1i प्लस y1j प्लस z1 क्या होगा k होगा। B वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे x2i, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, प्लस क्या लिखेंगे ये y2j प्लस क्या होगा z2 k हो जाएगा। पहला कंडीशन हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ए किस में देखेंगे, वेक्टर 4। तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b माइनस a वेक्टर होगा, ठीक है। a वेक्टर का देखो हम लोग रखेंगे प्लस लेमडा लगाएंगे, b में से a को घटा करके यहाँ पे रखेंगे, a आ जाएगा आपका रेखा का समीकरण, और यह जो समीकरण आया सदिश रूप में आया। उसके बाद नंबर b होता है, और b हम लोग क्या लिखेंगे, कार्तीय रूप में देखेंगे, किस वाले में देखेंगे, कार्तीय रूप में, ठीक है। तो कार्तीय रूप में बहुत आसान है कि जब भी आपके ये दो पॉइंट दिया रहेगा कार्तीय रूप में क्या लिखेंगे, तो x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 बटा, सॉरी z होगा केवल, z माइनस z1 बटा z2 माइनस क्या लिखेंगे z1, z2 माइनस z1। तो यह मिल गया आपको कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि कार्तीय रूप में। जब भी दो बिंदु दिया रहेगा पहले बिंदु से हम क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर a लिखेंगे, दूसरे वाले से b लिखेंगे, और यहां से इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर्मूला होगा r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a वेक्टर होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस वाले में कार्तीय रूप में देखेंगे, तो x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 और बराबर क्या लिखेंगे y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1 होगा। और यह समीकरण किस रूप में चलेगा, कार्तीय रूप में। तो ये दो समीकरण है कि एक बिंदु दिया रहेगा और इसके समांतर एक वेक्टर दिया रहेगा, तो हम लोग दो समीकरण लिखेंगे, पहला होगा किस वाला में, तो सदिश रूप में, और दूसरा क्या होगा कार्टेशियन रूप में हो जाएगा। इस पर आपको दो या तीन नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्न पूछा गया था मॉडल सेट जब सॉल्व करवाए थे। दूसरा समीकरण जो है कि दो बिंदु दिया रहेगा, केवल दो बिंदु दिया रहेगा, केवल क्या रहेगा दो बिंदु दिया रहेगा, और दो बिंदु दिया रहेगा तो मतलब एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी है। तो a से लिखेंगे a वेक्टर इक्वल टू, और b से लिखेंगे b वेक्टर, पहले वाले में i लगाएंगे, दूसरे वाले में j और तीसरे वाले में k लगाएंगे, सभी को जोड़ेंगे। जब वेक्टर का सभी वेक्टर रूप में लिखेंगे तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b माइनस a वेक्टर होगा, और कार्तीय रूप में लिखेंगे तो x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटा क्या होगा z2 माइनस z1। यह था आपका रेखा का समीकरण। अब हम लोग देखेंगे दो रेखाओं के बीच का एंगल। इसी वाला में बुला देते हैं ना, बंद है ना। अब हम लोग देखेंगे दो रेखाओं के मध्य कोण, और यह जो टॉपिक है आपको भी बीआई है पक्का, आपके एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा इस वाले टॉपिक से कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन दिया रहेगा दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, और दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस भी पूछेगा, ठीक है। न्यूनतम जो दूरी होता है दो रेखाओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वो भी वीवीआई है, और यह एंगल भी क्या है पूरा वीवीआई है, एग्जाम में पूछेगा यहाँ से। तो हम लोग देखेंगे पहला है कि दो रेखाओं के मध्य कोण, मतलब पहला है वेक्टर कोण। मान लेते हैं कि ए क्या है, एक रेखा का समीकरण हम लोग मानेंगे ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वन वेक्टर। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएंगे ए टू वेक्टर प्लस मी यू बी टू वेक्टर।
यदि मान लेते हैं कि ये दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है थीटा है, मान लेते हैं कोण क्या है मेरे पास थीटा है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू बी वन डॉट वेक्टर, फिर क्या लिखेंगे बी मोड ऑफ बी वन और मोड ऑफ क्या हो जाएगा बी टू, और सभी के हम लोग क्या करेंगे मोड ले लेंगे। जब भी आपको दो रेखा दिया रहेगा, दोनों रेखाएं अगर आपको सब वेक्टर में दिया है, सदिश रूप में दिया है, तो पहले से देख लेंगे कि यहाँ से बी वन लेंगे और बी टू, बी वन डॉट बी टू करवा लेंगे, फिर मोड ऑफ बी वन और मोड ऑफ बी टू निकालेंगे और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे इसमें रखेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, यह दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात हुआ। उसके बाद वेक्टर की बात होता है, इसको लिखेंगे सदिश रूप में, क्या इस रूप में है सदिश रूप में है, तो पहले हम लोग सदिश रूप में देखेंगे, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा बताइए कार्टेशियन में हम देखेंगे, कार्टेशियन मतलब होता है कार्तीय रूप, क्या होगा कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप में होगा पहले एल वन, एल वन कहने का मतलब पहला लाइन एक्स माइनस एक्स वन बटा ए वन होगा, दूसरा होगा वाई माइनस वाई वन बटा क्या होगा बी वन, और जेड माइनस जेड वन बटा क्या होगा सी वन, दूसरी लाइन क्या होगा x माइनस x2 बटा a2, y माइनस y2 बटा क्या होगा b2 हो जाएगा, और अगले क्या होगा z माइनस z1 z2 बटा क्या होगा c2 होगा, ठीक है। और अब ये दोनों रेखा है, दोनों रेखाओं के यदि बीच का जो एंगल है आपके पास थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे cos थीटा, ठीक है, क्या लिखेंगे cos थीटा। थोड़ा सा हम लोग और कंडीशन यहाँ से देख लेते हैं, इसको दो कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। पहला हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे नंबर वन है, यदि दोनों रेखाएं लंब है, क्या है लंब है परपेंडिकुलर, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होता है लंब, लंब कब होता है जब आपका बी वन डॉट बी टू, बी वन डॉट बी टू इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि cos लंब कहने का मतलब 90 डिग्री, लंब कहने का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो cos 90 इक्वल टू क्या करेंगे b1 डॉट b2, और यहां से मोड ऑफ b1 होगा, मोड ऑफ क्या हो जाएंगे b2 हो जाएंगे, cos 90 वैल्यू जीरो देता है तो क्या आएगा b1 डॉट b2, और मोड ऑफ क्या होगा b1 और मोड ऑफ क्या हो जाएंगे b2 हो जाएगा, जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा b1 डॉट b2 मिल जाएंगे इक्वल टू, इस वाले से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, तो देख लेंगे कि दो वेक्टर का अगर डॉट होता है और उसका डॉट आएगा जीरो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, उस रेखाओं के या दोनों रेखाओं के हम कैसा बोलेंगे कि ये लंब है, कैसे बोलेंगे कि लंब है। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा आपके समांतर आ जाएंगे, क्या होगा दो रेखाओं समांतर का हो जाएगा, तो समांतर हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ से हम लोग एक लिखेंगे फॉर्मूला, बहुत आसान तरीका है समांतर होने के लिए, जो b1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा b2 होना चाहिए, लेमडा क्या होना चाहिए b2, जो लेमडा है आपके पास क्या है एक स्केलर है मतलब अदिश है, ठीक है, क्या है स्केलर है, तो इसमें ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसमें कि b1 तो आएगा मतलब a1 a2 बराबर b1 b2 और c1 बटा c2 बोल सकते हैं, ठीक है। अगले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन मतलब कार्तीय रूप में देखेंगे, इसका समीकरण नंबर भी देखेंगे, लिखेंगे कार्टेशियन, ठीक है कार्टेशियन फोर, इसका हिंदी लिखेंगे तो कार्तीय रूप होता है, क्या लिखेंगे कार्तीय रूप है, पक्का है ए एग्जाम में पूछेगा इस टॉपिक से, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे एल वन क्या है, एल वन देखिए सच है एक्स माइनस एक्स वन बटा ए वन, y माइनस वाई वन बटा क्या होगा b1, z माइनस z1 बटा क्या होगा c1, दूसरा जो लाइन है x माइनस x2 बटा a2, y माइनस y2 बटा b2, और z माइनस z1 बटा क्या z2 बटा क्या करेंगे c2। यदि ये दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या है थीटा है तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा देखिए a1 a2
a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होगा। सभी के बटा क्या करेंगे देखिए, a1 स्क्वायर प्लस क्या होगा b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 फिर से क्या करेंगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, सभी के लिए क्या दे देंगे मोड़ दे देंगे। आगे भी देखेंगे हम लोग कौन सा कंडीशन लगाएंगे नंबर बी, ठीक है पहले नंबर ए देखेंगे। अगर दोनों रेखाएं लंब है, क्या है लंब है मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में क्या होगा लंब होगा। लंब कहने का मतलब क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। b वाला क्या चलेंगे समांतर चलेंगे, समांतर कहने का मतलब क्या होगा देखिएगा समांतर, तो समांतर कहने का मतलब क्या होगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा क्या है चलेंगे c2 चलेंगे, तो यह क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएगा। यदि यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 नहीं समझ में आ रहा है तो इससे आपको a1 मिलेगा b1 मिलेगा और c1 i प्लस ऐसे मिलेगा, a1 i प्लस क्या जे मिलेगा जे और c1 k मिलेगा, तो इस वाले से a1 b1 c1 रख देंगे, इस वाले से क्या मिलेगा आपको a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k मिलेगा, इस टाइप से आपको मिलेगा ठीक है। यदि यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 तो दिख रहा है लेकिन बात है कि आप सर बोलिएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग देखेंगे ये जो वेक्टर का काम करेगा i j k भी दिया और यहाँ भी दिया रहेगा, तो a1 मतलब i का कोफिशिएंट a1 k का कोफिशिएंट b1 और k का कोफिशिएंट c1, उसी तरह से इस वाला में a2 b2 c2 और बिठा देंगे तीनों इक्वल होगा तो समांतर बनेंगे, रेखाएं कैसा होगा समांतर होगा। अगला एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखेंगे इसको, ये एक नोट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट लिखेंगे, लेट मान लेते हैं लेट, देखिएगा लेट मतलब क्या होता है माना लेट लेट l1 m1 और l1 m1 एंड n1 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ l1 का, उसके बाद क्या करेंगे l2 m2 एंड n2 ए बी पी द क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ l2 ठीक है। देन कॉस थीटा इक्वल टू होगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस l1 m2 और सभी का क्या लेंगे ओड लेंगे। उसके बाद यदि दोनों ये रेखाएं क्या है लंब है, ए दो रेखा के है कि l1 की जो डायरेक्शन रेशियो क्या है डायरेक्शन कोसाइन l1 m1 और n1 दिया है और l2 की जो डायरेक्शन हम लोग देखेंगे किस वाले के देखेंगे डायरेक्ट l2 के देखेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ से l2 m2 और n2 मिल रहा है, तो cos थीटा इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 आएगा। और यह आपका जो झारखंड में TGT में पूछा गया था कि दो रेखा है दोनों रेखाओं के यदि डायरेक्शन को साइन l1 m1 n1 दिया है और दूसरा का l2 m2 n2 दिया है तो दोनों एंगल क्या निकलेगा cos थीटा इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। इसी में हम लोग एक नोट हम लोग देखेंगे, जब दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने के मतलब कितने डिग्री बनता है परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री ठीक है, तो जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आप इस वाले में 90 रखिएगा तो cos 90 इक्वल टू क्या होगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 होगा, सभी का मोड़ ले लेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, l1 l2 प्लस क्या होगा m1 m2 मोड़ से बाहर निकालेंगे तो प्लस आएगा, इसको सजा के लिखेंगे l1 l2 प्लस क्या होगा m1 m2 होगा प्लस क्या होगा n1 n2 इक्वल टू 0। ये भी आप याद रखिएगा कि समांतर कब होता है परपेंडिकुलर कब होगा,
दो रेखाओं के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, सदिश रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, कार्तीय रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। यदि डायरेक्शन को साइन दिया है दो रेखाओं के डायरेक्शन को साइन से L1 का L1, M1 और L1 मान लिए, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे L2, L2 कहने के मतलब L2, M2 और M2 डायरेक्शन रेशियो है। L2 के लिए तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस L1 M2 होगा और यह झारखंड में पूछा गया था TGT 2016 में। तो यह हुआ क्लास आज एंगल और एंगल और रेखा का समीकरण हम लोग देखे, और अगले हम लोग क्लास में मिलेंगे दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी। दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी बहुत एक दिया है और यह एंगल, यहाँ से आपको 9 नंबर के मिलेगा। यदि एंगल पढ़ लिया और ये क्या होगा डिस्टेंस पढ़ लिए, एंगल और डिस्टेंस आप पढ़ लीजिएगा तो पक्का है कि आपका 9 नंबर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और यदि क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन।